इसमें जो मैसिव हेमोप्टेसिस की कैटेगरी है, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर सही समय पे इसका इलाज न मिला तो पेशेंट को आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार राय, कंसल्टेंट वैस्कुलर एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हेमोप्टेसिस और उसके इलाज के बारे में। हेमोप्टेसिस होता क्या है? जो पेशेंट खून की खांसी करते हैं या खांसी में उनको ब्लड आता है, उस टर्म को हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एवं सीवियर या मैसिव। माइल्ड वो होता है जिसको 50 ml से कम आता है दिन भर में। 50 ml से कम कैसे जानेंगे? जैसे कि 1 चम्मच से कम आता है दिन भर में। मॉडरेट क्या होता है? जिनको लगभग 50 ml से लेके 150 से 200 ml तक आता है, जैसे कि दिन भर में 1 कप आ गया या 1.5 कप आ गया। और मैसिव क्या होता है? जिसमें पेशेंट को 1 ग्लास से ज़्यादा दिन भर में खून आता है, वो मैसिव हेमोप्टेसिस होती है। इसमें जो मैसिव हेमोप्टेसिस की कैटेगरी है, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर सही समय पे इसका इलाज न मिला तो पेशेंट को आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हम जानेंगे हेमोप्टेसिस होता क्यों है। हमारे देश में खासतौर से टीबी सबसे मुख्य कारण है। जब पेशेंट को टीबी होता है तब भी हो सकता है, इवन टीबी का ट्रीटमेंट होने के बाद भी यह हो सकता है पोस्ट ट्यूबर कॉम्प्लिकेशन के अंडर। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन आते हैं जैसे एस्परजिलोसिस या कि कोई ट्यूमर हो जाता है छाती का, उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। हेमोप्टेसिस का ट्रीटमेंट क्या है? जो माइल्ड हेमोप्टेसिस है उनको कुछ कुछ दवाओं से भी कम किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मैसिव हेमोप्टेसिस है उसमें दवा से यूजुअली नहीं रुकता है और इसमें अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो छाती की नस होती है जहाँ से खून का रिसाव होता है, मोस्ट कॉमनली ब्रोंकियल आर्टरी से ही निकलता है। तो एक छोटी की सुई के माध्यम से हम वहाँ तक ब्रोंकियल आर्टरी में जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स की मदद से हम उस नस को बंद करते हैं, जिसको हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कहते हैं। जिन पेशेंट में मैसिव हेमोप्टेसिस है, वह एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है और उसका इमीडिएट इलाज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। उसके लिए हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, यानी कि हम जांघ की नस में छोटी सी सुई से छेद करके और एक तार ले जाते हैं जो कि ब्रोंकियल आर्टरी तक जाती है, यानी कि जो सप्लाई कर रही है जहाँ से खून आ रहा है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं और छोटे छोटे हम नैनो पार्टिकल के हेल्प से उस नस को बंद कर देते हैं। और यह पूरे प्रोसीजर में हमें 1.5 घंटा से 1 घंटा लगता है और यह एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि जिस दिन हम पेशेंट को एडमिट करते हैं उसी दिन प्रोसीजर करके डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर किसी को हेमोप्टेसिस है तो पहले ये बोला जाता था कि इसका सर्जिकल के इलाज अलावा कोई इलाज नहीं है, यानी कि छाती का एक टुकड़ा काट के निकालना पड़ता था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस के हेल्प से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के वजह से हम इस प्रोसीजर को एक एज अ डे केयर प्रोसीजर करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आसपास कोई ऐसा है जिसको ऐसी कंप्लेन है या खून की खांसी आ रही है तो उसको ज़रूर यह सलाह दें कि वो आपके नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।